जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग समय पर गाड़ियों की फिटनेस नहीं करवा पाते हैं तो कई देनी होगी अब दोस्तों कई गुना ज़्यादा आपको फीस। मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हीकल के फिटनेस करवाने के संबंध में दोस्तों केंद्र सरकार ने कुछ फीस में बढ़ोतरी कर दी है। और अगर आप लेट हो जाते हैं समय से अपने वहाँ पर कुछ और वहाँ पर आप डिले कर देते हैं फिटनेस को रिन्यूअल करवाने में तो आपको कई गुना ज़्यादा भी फीस पेमेंट करनी पड़ सकती है। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि फिटनेस यानी कि जो व्हीकल का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होता है फिटनेस सर्टिफिकेट होता है उसको रिन्यूअल करवाने के लिए जो फीस बढ़ोतरी की गई है वह क्या है और एक्चुअल फीस भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कमर्शियल व्हीकल के लिए तो खास तौर पर इस वीडियो को देखना ही देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया कि फीस में आपको कितना लेट फीस देना है और एक्चुअल फीस क्या है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। टारगेट रखना है इस वीडियो की 5000 लाइक का, तो उम्मीद करते हैं आप उसको जरूर पूरा करवाएंगे। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आरटीओ सेक्टर की आपको मिलती रहें। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं जो कि फीस बढ़ोतरी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाड़ियों की फिटनेस पर लेट पेनल्टी जो होती है यानी कि जब आप समय से ज़्यादा आपका एक्सपायर हो जाता है पेनल्टी माफ़ कीजिएगा फिटनेस सर्टिफिकेट और आप उसको रिन्यूअल करवाने के लिए जाते हैं तो उसी के दरमियान जो फीस ली जाती है उसको पेनल्टी लेट फीस बोला जाता है। समझ रहे पा रहे हैं आप, यानी कि जो आप समय बीत जाता है उसके बाद रिन्यूअल करवाने के लिए जाएंगे तो आपको फीस कुछ इस तरीके से भुगतान करनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिए, CMVR सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के रूल नंबर 81 में दोस्तों यह प्रिस्क्राइब्ड है फीस का फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह के। तो यहाँ पर जो 81 रूल कहता है CMVR का 1989 के माध्यम से उसमें दोस्तों कुछ वहाँ पर फीस में अब बढ़ोतरी कर दी गई है। तो फीस में क्या बढ़ोतरी की गई है, फीस में यह बढ़ोतरी की गई है कि अगर आप लोग निश्चित जो डेट होगी एक्सपायरी की फिटनेस सर्टिफिकेट की उससे अगर आप एक भी दिन लेट होते हैं तो पर डे के हिसाब से ₹50 का पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी। जी अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिएगा कि अगर आप एक महीने लेट होते हैं तो 30 दिन, और 30 दिन लेट जब हो जाएंगे आप तो ₹50 पर डे के हिसाब से आपको कितना फाइन देना पड़ेगा। यही प्रक्रिया अगर आप 6 महीने और साल भर लेट हो जाते हैं तो पर डे ₹50 आप काउंट कर लीजिएगा, उतनी आपको लेट फीस पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब समझ गए आप। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह नियम जो है यह सभी गाड़ियों पर लागू होता है, चाहे वो फोर व्हीलर की हो, कमर्शियल हो, हैवी हो, ट्रेलर हो, जितने भी व्हीकल जो फिटनेस सर्टिफिकेट जिनका करवाया जाता है फिटनेस जिनका लगता है उन सभी के ऊपर यह नियम लागू होता है। अब मैं आपको फीस बता देता हूँ फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करवाने के लिए एक्चुअल फीस कितनी है और यहाँ पर आपको फीस वगैरह कैसे भुगतान करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूँ कि जो फिटनेस रिन्यूअल की एक्चुअल फीस है आरटीओ की वह ₹200 है। ₹200 आपको फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल करवाने की फीस देनी होती है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर फिटनेस टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है। ध्यान में रखिएगा ये मैनुअल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऑटोमेटेड फिटनेस वहाँ पर ट्रैक पर जाते हैं तो वहाँ पर फीस इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। साथ ही साथ यह फीस कुछ स्टेट्स में वेरिएबल भी हो सकती है, बदल भी सकती है। तो दोस्तों मैनुअली जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है आपकी व्हीकल को इंस्पेक्शन के लिए आरटीओ करता है तो उसका टेस्ट होता है, उसके लिए आपको फीस निर्धारित की गई है ₹200। तो आपको रिन्यूअल करवाने के लिए फीस देनी पड़ सकती है। और मोटरसाइकिल में फिटनेस अगर आप करवाते हैं तो वहाँ पर आपको ₹400 का भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही माफ़ कीजिएगा मोटरसाइकिल केस में ₹200 है और थ्री व्हीलर के केस में ₹400 है टेस्ट फीस है, ये फिटनेस टेस्ट की फीस जो आरटीओ में होती है। उसके बाद दोस्तों जो मीडियम व्हीकल होती हैं उनकी फीस ₹600 है और हैवी और जेसीबी वगैरह आदि जैसे ट्रेलर आदि जैसे व्हीकल के लिए यह फिटनेस टेस्ट फीस ₹600 ही है। यानी कि मीडियम और हैवी कैटेगरी के लिए ₹600, थ्री व्हीलर के लिए ₹400, टू व्हीलर के लिए ₹200 फिटनेस टेस्ट फीस। अब फिटनेस रिन्यूअल फीस जो प्रमाण पत्र रिन्यूअल की फीस है वो ₹200 ऑलरेडी है, वो सभी के लिए है। अब यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि इसके साथ ही साथ जब आप वहाँ पर जाएंगे लेट होकर तो ₹50 पर डे के हिसाब से आपको फाइन भी देना पड़ेगा, लेट फीस भी भुगतान करना पड़ेगा। तो वहाँ पर टोटल आप खुद काउंट कर लीजिएगा, फीस कुछ इस प्रकार रहेगी। सबसे पहले रिन्यूअल की फीस फिटनेस की ₹200, अगर आपके पास हैवी कमर्शियल व्हीकल है तो वहाँ पर इंस्पेक्शन मैनुअली जो टेस्ट होता है आरटीओ टेस्ट करता है चेकिंग के लिए ₹600 टोटल हो गए 800 रुपये। साथ ही साथ दोस्तों ₹50 का आपको लेट फीस। अगर आप वहाँ पर मान लीजिए कि आप वहाँ पर 10 दिन लेट हैं तो आपको वहाँ पर ₹500 का भुगतान करना पड़ेगा लेट फीस, तो टोटल आपका हो गए ₹1300।
तो इतने रुपए आपको फिटनेस रिन्यूबल करवाने के लगेंगे जब आप 10 ही दिन लेट हुए हैं। तो अगर आप एक महीने, साल भर, 2 साल लेट होकर जाते हैं तो आप फीस कैलकुलेशन खुद से आप कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन हो, तो यहाँ पर इंस्टाग्राम पर @technologyjee जुड़कर अपने क्वेश्चन को पूछिए, फॉलो करिए, कोई क्वेश्चन पूछिए, या फिर ट्विटर पर अपनी समस्याओं को शेयर करिए, हमें टैग जरूर कर दीजिएगा @technologyjee। और टेलीग्राम ग्रुप को तो ज्वाइन करिए, वहाँ पर लेटेस्ट सर्कुलर PDFs गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिलते रहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यहाँ तक आपने वीडियो देखा था, और वीडियो को चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ नए चैनल को भी प्यार दें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नए चैनल का दे रखा है। फिलहाल अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। एक और चीज़ बताने चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वैलिडिटी कितनी होती है फिटनेस की, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 8 साल तक, तो 2 साल होती है फिटनेस रिन्यूअल करवाने के जो टाइम पीरियड है 2 साल, और 8 साल के बाद पर ईयर आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। 8 साल तक 2 साल, प्रत्येक 2 साल में रिन्यूअल होगा आपके फिटनेस का, और 8 साल बाद प्रत्येक 1 वर्ष में आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा फिटनेस का। तो ये है जानकारी टोटल फिटनेस से रिलेटेड व्हीकल के लिए, जो फीस बढ़ोतरी की गई, वैलिडिटी मैंने आपको बताई। अभी के लिए मुझे जय हिंद, वंदे मातरम।